आज कि आप लोगों ने मुझे जो मेरे बर्थडे पे इतनी विशेज और इतनी ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी उस बर्थडे वाले पार्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। सी अभी भी डेकोरेशन है और इसको हटाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब ये अपने आप जब तक इनकी हवा निकल नहीं जाती ना तब तक मैं इनको नहीं हटाने वाली, इन्हें मैं ऐसे ही लगे रहने दूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और यू नो पिंक पिंक। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे को जो भी मेरे बर्थडे पे मुझे जो प्रेजेंट्स मिले हैं, जो गिफ्ट्स मिले हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गिफ्ट से। सबसे पहले ये मुझे मिला है एक स्लिंग बैग। ये थोड़ा ट्रेंडी है, इसकी बेल्ट और भी लंबी है बट मैंने वो अंदर डाल रखी है। कैसा लग रहा है? मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा। तो जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया है उसको थैंक यू सो मच। मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोल चुकी हूँ और अभी इस वीडियो में भी मैं उनको दोबारा से थैंक यू बोल रही हूँ। तो थैंक यू सो मच क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इस लॉकडाउन में मुझे जिसकी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि एज अ गर्ल आपके सैलून ओपन नहीं हो रहे हैं, मतलब पार्लर वगैरह सब बंद है और बहुत बेसिक्स नीड्स होती है गर्ल्स की, तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये एपिलेटर। ये एपिलेटर मुझे गिफ्ट किया है और इसकी मुझे बहुत नीड थी एक्चुअली। मेरे जो फ्रेंड्स और फैमिली है जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे यूज़फुल थिंग्स ही गिफ्ट में देनी और लेनी अच्छी लगती है। मैं अगर किसी को गिफ्ट भी देती हूँ तो मैं यूज़फुल ही देती हूँ ताकि वो उसके यूज़ आए और वो जब भी उसे यूज़ करे तो वो मुझे याद रखे, यू नो। और मैं भी एक्सपेक्ट यही करती हूँ मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से जो मेरे बहुत क्लोज हैं कि वो मुझे यूज़फुल थिंग्स ही दें। तो ये जो गिफ्ट्स हैं ये सब मुझे सारे यूज़फुल ही मिले हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे बेवजह ऐसा हो कि इसका तो क्या यूज़ है। तो नेक्स्ट गिफ्ट में आते हैं। नेक्स्ट गिफ्ट जो मुझे मिला है वो मिला है एक्टर कैरोल्यूशन हेयर मास्क। जिसने भी ये दिया है ना उसको पता है कि इसके बाल ऐसे हो रहे हैं केमिकल ट्रीटमेंट करवा करवा के, इसको इसकी बहुत नीड है, तो ये तो दे ही दो इसको। तो थैंक यू सो मच। मैं वैसे भी खरीदती कोई ना कोई मास्क और मुझे मिल गया गिफ्ट में तो मुझे परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो थैंक यू। तो नेक्स्ट है, मुझे मिला है ये लिपस्टिक है ये, वाओ ये मुझे अच्छी लगी थी, मैंने इसको यूज़ भी कर लिया उसके बाद जब मुझे मिली है। हाँ आपको एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई, ये जो मेरे गिफ्ट्स हैं ना जब मुझे मिले थे तो मैं इनको अनबॉक्स कर चुकी थी, तो ये अनबॉक्सिंग का वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे को वेट ही नहीं होता है कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तब इनको अनबॉक्स करूंगी। नहीं, मुझे मिल गया तो मुझे तो फटाफट ओपन करके देखना है कि किस में क्या है। तो सॉरी मैं आपके सामने इनको अनरैप तो नहीं कर पाई पर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है तो मैं ये सब शो करूंगी आप लोगों को, इसलिए मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो हाँ मैं इसकी बात कर रही थी, ये मुझे मिली है लिपस्टिक है और ये इसका नाम मैंने कहीं तो पढ़ा था, हाँ फ्लॉर्मर की है ये और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, यू नो अच्छी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग है और अच्छी लगती है। ओके ये हो गई लिपस्टिक। सेकंड मुझे मिला है यस मस्कारा। मस्कारा तो मैं पसंद करती हूँ वेयर करना ओकेजनली, और ये मुझे मिला है मेबलिन का द कॉलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा, तो थैंक यू जिसने भी दिया है। और नेक्स्ट लाइनर, यस ये है क्लैमी कॉस्मेटिक आईलाइनर और ये है ब्लू। मेरे पास मतलब ब्राउन और ब्लैक ग्रीन ये तो हैं, ब्लू नहीं था मेरे पास, तो मुझे ये ब्लू लाइनर दिया है। सी अच्छा है तो मुझे ये भी मिला है, मतलब ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना तो सच में लगता है कि यार वाओ। नेक्स्ट मुझे मिला है द बॉडी शॉप का फिजियान वाटर लोटस फ्रेगरेंस मिस्ट मिला है मेरे को और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, देखो मैंने बोला ना कि मैं पहले से अनबॉक्स करके अनरैप करके यूज़ भी कर चुकी हूँ और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, थैंक यू। अगेन नेक्स्ट है टेंटन
मेरे बाल जो हैं वो कर्ली हैं, और जिनके कर्ली होते हैं उनको स्ट्रेट हेयर पसंद होते हैं, जिनके स्ट्रेट होते हैं उनको मोस्ट ऑफ द पीपल को कर्ली पसंद होते हैं। बट कर्ली है तो स्ट्रेटनर तो बनता है, और मेरे पास स्ट्रेटनर नहीं था अभी तक, तो मुझे मिला है फिलिप्स का स्ट्रेट एंड स्मूथ विद एक्स्ट्रा केयर एंड कंट्रोल। ये कैरा शाइन वाला है, एडवांस है और हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटनर है। तो थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे मेरे बर्थडे पे सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मिली है वो है ड्रेसेस। ये इतनी सारी ड्रेसेस, मुझे ड्रेसेस बहुत मिली है। मे बी सबको लग रहा होगा अब ये मुंबई गई है, अब इसको ड्रेसेस दो ताकि फिर ये वो वहाँ पे पहने, जो भी उन्होंने सोचा होगा। तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिली है, मुझे बहुत पसंद आई है। सबसे पहले मुझे मिला है ये टी शर्ट कम टॉप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वाइट कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं था और ये मुझे मिला तो बहुत काम आएगा मेरे ये क्योंकि ये वाइट कलर का है। नेक्स्ट मुझे मिली है ड्रेस, यस ये कैसी है ड्रेस, ओ सी ड्रेस, सी मैं तो ढकी गई, अच्छी है ना। चलो नेक्स्ट मुझे ये मिला है प्लाजो है, पैंट है या क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता है तो ये अच्छा लग रहा है। अभी जो मेरा सबसे अच्छा वाला गिफ्ट जो होने वाला है, मतलब बेस्ट गिफ्ट जो होगा, वो अभी वेटिंग है अभी वो मुझे मिला ही नहीं है और अभी पता ही नहीं है कि वो क्या होगा क्योंकि बोला है हस्बैंड ने कि हाँ गिफ्ट पेंडिंग है, गिफ्ट मिलेगा, मे बी वो कल मिल जाए, मे बी वो एक महीने बाद मिले, तो वो तो मैं आपको बता ही नहीं पा रही अभी इस वीडियो में। बट कभी भी जब मुझे वो मिलेगा ना, मैं आपको अपने बता दूंगी कि मुझे क्या मिला है। अब देखते हैं वो क्या होगा, क्योंकि मतलब ऐसे बोल देते हैं ना जब कि वो गिफ्ट ऐसा होगा वैसा होगा, तो हाय रे मेरा तो दिल धक 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 करता रहता है कि यार क्या होगा, कब मिलेगा, जल्दी मिल जाए, बस यही लगा रहता है। अब देखते हैं वो कब आता है। नेक्स्ट है अगेन ड्रेस, क्योंकि अब ड्रेसेस ही बची है, मैंने जो भी एक्स्ट्रा था वो सब दिखा दिया आपको। ये मस्टर्ड कलर की ड्रेस, ये कलर मेरे पास नहीं था, मस्टर्ड कलर में मेरे पास आई थिंक कोई टॉप या ड्रेस नहीं थी, और ये मुझे अभी बहुत डिफरेंट, मतलब जो भी मुझे चीज़ें मिली ना वो वाकई में डिफरेंट मिली है, जो मेरे पास पहले नहीं भी थी वाली चीज़ें। तो इस बार तो मुझे मज़े आ गए जो भी मुझे गिफ्ट मिले उसके लिए। नेक्स्ट है ड्रेस है, कौन सी है, ये है, उल्टी है, सॉरी, ये ड्रेस है मुझे मिली सी सी सी, अच्छी है। हाँ मेरे को मिली है, मुझे तो अच्छी लग रही है और मैं आपको भी बोल रही हूँ अच्छी है अच्छी है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ ना, क्योंकि मुझे सारे प्रेजेंट्स मिले और इतनी सारी ड्रेसेस मिली है, तो मैं तो खुश हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं तो बोलूँगी अच्छी है अच्छी है। ये है मेरा लास्ट गिफ्ट, अब मेरे गिफ्ट ख़त्म हो गए, बस इतने ही है, मैंने सारे दिखा दिए आपको यार, ये लास्ट ड्रेस बची है जो मेरा लास्ट गिफ्ट भी है। सी ये भी मुझे बहुत यूनिक वाइन कलर में एक ड्रेस मिली है, अगर ये मुझे पहले मिलती तो मैं इसे अपने बर्थडे पे वेयर करती। मैंने हाँ मेरे बर्थडे पे जो मैंने वेयर करी है वो ड्रेस भी मुझे गिफ्टेड है, वो भी मुझे गिफ्ट की गई है, और वो तो मैंने खैर उसी दिन ही पहन ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये ड्रेस पहनो, तो इसलिए वो मैंने पहन ली थी, और वो भी एक ड्रेस है, इसमें काउंट करनी है मुझे कि हाँ वो भी मुझे प्रेजेंट मिला है। और ये है वो ड्रेस, लास्ट अपनी ड्रेस, कभी ना कभी आपको इन ड्रेसेस में मेरा वीडियो दिख ही जाएगा क्योंकि अब ड्रेस है तो पहन के वीडियो भी बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको कैसे लगे मेरे प्रेजेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।